तुम हंसते हो तो हंसते ही रह जाते हो, मैं बोलता हूँ तो बोलता ही रह जाता हूँ, वे लोग दौड़ते हैं तो दौड़ते ही रह जाते हो, तुम लोग झगड़ते हो ना तो झगड़ते ही रह जाते हो। क्या आपने कभी ऐसे सेंटेंसेज अपनी डे टू डे लाइफ में बोला है? अगर नहीं बोला है तो आज मैं बोलवा दूंगा, क्योंकि मैं हूँ MSLE एंड यू आर वॉचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस। आज के जो सेंटेंसेज हैं ना, वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज आते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के होते हैं, और जब डिफरेंट टाइप की हिंदी क्रियाएं जब हमें मिल जाती है ना, और हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है या लिखने की आवश्यकता पड़ती है ना, तो हम फ्लैट हो जाते हैं, हम सरप्राइज हो जा सकते हैं, मतलब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे बनाएं इसको, हम किस तरह से इसका हम ट्रांसलेट करें। पर डोंट वरी, आज के बाद से ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए मैं रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हूँ MSLE एंड यू आर वॉचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस, जिस चैनल पर आप बड़े ही सरलता से, बड़े ही आसानी से अंग्रेजी सीखते हो हिंदी के थ्रू। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में आप सीखने वाले हो नॉट टू स्टॉप का यूज़। ये जो नॉट टू स्टॉप है ना, ये हर तरह के सेंटेंसेज में आप लगाते हो, पर कब लगाओगे, कैसे लगाओगे, यही तो मैं बताने वाला हूँ। चलो पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, पता ही है सबको, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए दो ऑप्शन है, V1 भी है, V5 भी है। तो हमें देखना यह है कि V1 कब करना है, V5 कब करना है। आप तो पहले से ही जानते हो, आपको मैंने टेंस पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि I, V, U, They प्लूरल नेम और प्लूरल नाउन के साथ हम V1 लगाते हैं, और जो बचते हैं ना अनदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि He, She, It एटसेट्रा, उनके साथ हम V5 का यूज़ किया करते हैं। ओके, तो ये बातें मैंने यहाँ पर बता दी है कि He, She, It नेम एंड नाउन, नेम बोले तो एक नाम और नाउन बोले तो एक नाउन। अगर ऐसा कुछ हो तो V5, और V5 कहने का मतलब होता है कि आपको S, ES या IES करना होता है। तो वैसे तो 80% S ही करना होता है, 10-15% में ES करना होता है, और सिर्फ 5% ऐसे शब्द आते हैं जिसमें IES करना होता है। और ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता रखी है, इसलिए इसमें नहीं बता पाऊँगा। ओके, तो V1 एंड V5 लगाने के बाद ऑब्जेक्ट रख देना है, तब नॉट टू स्टॉप का यूज़ सब में करना है। क्यों करोगे नॉट टू स्टॉप, ये बता दूंगा मैं। मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ तो बोलता ही रह जाता हूँ। तो पहले क्या करना है ना, कि पहले आपको इसमें दो सेंटेंस है, कि एक कि मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, और दूसरा है कि तो बोलता ही रह जाता हूँ। तो इसमें मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ को पहले बना लो, ओके, और इस सेंटेंस को छोड़ देते हैं। फिर इसमें बनाएंगे वह सच बोलती है, इतना बना लेंगे हम, और इसमें तुम पढ़ाते हो, चलो इतना हम बना लेंगे। तो हमारा जो सिंगल सेंटेंस है ना, पहले उसको हम बना लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करके। और आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 आया करती है। तो चलो बनाते हैं, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, ये तो हो गया कि मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। अब तो बोलता ही रह जाता हूँ, इसके लिए आपको अलग से देन नहीं लगाना है, स्पीक नहीं लगाना है, कंटिन्यू नहीं लगाना है, बल्कि बस आपको नॉट टू स्टॉप का यूज़ कर देना है। ये नॉट टू स्टॉप लगने से ना ये पता चलेगा कि मतलब ये कार्य जारी रहने की बात हो रही है। यानी कहने का मतलब है ना कि आई स्पीक इंग्लिश नॉट टू स्टॉप, यानी मैं अंग्रेजी बोलता हूँ ना तो रुकता ही नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो रुकता ही नहीं हूँ। इसकी परफेक्ट हिंदी निकल रही है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो रुकता ही नहीं हूँ। और इस हिंदी को देखोगे ना तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो बोलता ही रह जाता हूँ, यानी बोलता ही रह जाता हूँ, यानी वही तो सेंस है कि नहीं रुकता है भाई, बोलता ही रह जाता है ना, कंटिन्यू हो जाता है, कैरी ऑन हो जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में हमें अलग से देन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे वाक्यों में तो आते हैं, और तो की इंग्लिश तब की इंग्लिश देन होती है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में तो की कोई इंग्लिश नहीं होती है। आप फर्स्ट वाले को बना करके नॉट टू स्टॉप को लगा दोगे। दूसरा वाला सेंटेंस देखो, वह सच बोलती है तो बोलती ही रह जाती है। तो ये बोलती ही रह जाती है को छोड़ दो, पहले इतना बना लो कि वह सच बोलती है ना, तो खुदा जाने सच बोलती है या झूठ। चलो हम सेंटेंस बनाते हैं, वह सच बोलती है, शी स्पीक्स द ट्रूथ, शी स्पीक्स द ट्रूथ। यहाँ पर आप देखोगे ना कि मैंने एस लगा दिया है, ऊपर नहीं लगाया था स्पीक में, पर इधर लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बता चुका हूँ कि ही शी इट एक नाम एक नाउन आने पर हमें एस लगा देना होगा वर्ब में, तो यहाँ स्पीक में हमने एस लगा दिया। ओके, स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना, ये एक फ्रेज है। ओके, तो हमने लिखा शी स्पीक्स द ट्रूथ, ही स्पीक्स द ट्रूथ, है ना, राम स्पीक्स द ट्रूथ, सीता स्पीक्स द ट्रूथ, इन सबों के साथ एस लगाना पड़ेगा। जब इतना बना लेते हैं ना, तो यहाँ से जो सेंटेंस है तो बोलती ही रह जाती है, इसके लिए हमें अलग से देन, स्पीक, कंटिन्यू, कैरी ऑन की ज़रूरत नहीं है। हमें बस नॉट टू स्टॉप लगा देना है, नॉट टू स्टॉप जो कि सब में लग रहा है। अब अंतिम वाले की बात करते हैं, तुम पढ़ाते हो तो पढ़ाते ही रह जाते हो। पहले तुम बना लो कि तुम पढ़ाते हो, ओके, यू टीच,
तुम पढ़ाते हो, क्लियर है ना, यू टीच, तो पढ़ाते ही रह जाता है। इसकी अंग्रेजी नहीं करनी है, बस ये नॉट टू स्टॉप को लगा देना है। तो कितने आसान फैक्ट है ना ये, कितने अच्छे ट्रिक हैं ये, और कितनी आसानी से हमने ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेज को हमने ट्रांसलेट किया। वैसे देखने में तो काफ़ी ये बड़े बड़े सेंटेंसेज लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये देखने में ही बड़े हैं, इनका बड़ा काम नहीं है, बड़ा बस नाम ही है। और ये भी नाम आज के बाद से काम में बदल चुका है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे सेंटेंस की ज़रूरत आपको जब भी पड़े बोलने में, आप बड़े ही आसानी से बोल सकते हो। लेकिन ऐसे सेंटेंसेज को समझने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पता होना चाहिए कि ही शी इट के साथ V5 लगता है, आई वी यू दे के साथ V1 लगता है। अगर इतना जानते हो तो ये सेंटेंस आपके लिए हलवा है, हलवा बोले तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर उनसे भी पहले कुछ बातें और बता देना चाहूँगा। अगर मेरी क्वालिटीज़, पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने का शैली, अगर ये सब अच्छा लगा हो, या ऐसा लग रहा हो कि इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, या ये हमें अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि जो भी वीडियोज़ की अपडेट्स मैं दूँ आप पर वो मिल सके या आपको वो प्राप्त हो सके। एंड वीडियो अच्छी लगने पर लाइक वाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना। शेयर इसलिए करना क्योंकि खुद जान जाना है ना, तो दूसरों को भी जना देना ये सबसे बड़ी बात होती है। खुद शिक्षा लेना और दूसरों को भी शिक्षित करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ होती है, जितना हम बांटते हैं, जितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उतनी ही बढ़ती है, घटती नहीं है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सब बांटने से, देने से वो घट जाया करती है, कम हो जाया करती है, बट एक एजुकेशन ही है, एक शिक्षा ही है जो बांटने से और देने से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सो डियर स्टूडेंट्स, शेयर कर देना, खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, खुद भी अच्छा बनो, दूसरों को भी बनाओ, खुद कामयाब हो एंड दूसरों की भी कामयाबी की कामना करो, विश करो एंड हेल्प करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।